तो नमस्कार, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। शुगर वालों के लिए करेले का अचार कैसे बनाएं। शुगर में करेले की सब्जी, करेले का अचार, करेले का जूस बहुत ही फायदेमंद है। वैसे तो करेला सभी के लिए फायदेमंद है, वैसे तो सभी को करेले का किसी न किसी तरह से सेवन करना चाहिए, क्योंकि करेला औषधीय गुणों से भरपूर होता है। करेले की सब्जी हर रोज़ तो बना नहीं सकते, इसीलिए करेले का अचार बना कर रखें। आज मैं करेले का अचार बना कर दिखाऊंगी। अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं तो अचार बहुत ही फायदेमंद होगा। करेले का अचार बनाने से पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें। आइए बनाते हैं करेले का अचार। ये देखिए करेले जो मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ कर कर रखे हुए हैं। अब ये देखिए, इनको ऐसे दोनों तरफ से काट लेते हैं, इधर से भी, और ये देखिए दोनों तरफ से काटने के बाद एक बर्तन लेते हैं और इसको हम ऐसे बीच से काट लेते हैं। ये देखिए ऐसे काटने के बाद फिर इसको ऐसे काटते हैं, ये देखिए, और फिर इसको ऐसे काटते हैं, ये देखिए ऐसे काटते हैं। ये देखिए इसका कच्चा बीज है, इसको हम ऐसे डालते हैं और ऐसे चार चार पीस बना लेते हैं। ये देखिए अब दूसरा काट लेते हैं, और देखिए इसको बिल्कुल भी छीलना नहीं है, इसको हम ऐसे ही काटेंगे, क्योंकि इसके छिलके में अनेकों पोषक तत्व होते हैं। ऐसे सारे काट लेने, देखिए दोनों तरफ से ऐसे काटते और फिर ऐसे दो पीस बनाते, उसके बाद इसके हम चार पीस बनाएंगे। ये देखिए अगर ज़्यादा बड़ा करेला है तो आप पीछे और काट सकते हैं इसको, ये देखिए ऐसे। और ये देखिए ये इस करेले का पक्का बीज है, इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए आप चाहे तो बीज निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप ये करेला ही निकाल दीजिए। देखिए ये देखिए आधे करेले काटने के बाद हमारे आधे करेले कट चुके हैं। ये देखिए अब हम इसमें दो चम्मच नमक डालते हैं, अच्छे से फैला देते हैं ऐसे अच्छी तरह से। अब और करेले काटते ऐसे, देखिए यह देखिए हमारे सारे करेले कट चुके हैं। अब इसके बाद हम दो चम्मच नमक और डालते हैं ऊपर से, ये देखिए अब इसको थोड़ा ऐसे हिला देते हैं। अब इसको ऐसे ही चार पाँच घंटे के लिए रख दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। अब इसको चार घंटा ऐसे रखने के बाद इसको धूप में डेढ़ घंटा सुखाना है। ये देखिए हमने चार पाँच घंटे नमक में रखने के बाद डेढ़ घंटा इनको धूप में सुखाया। धूप में सुखाने के बाद ये देखिए ऐसे नरम हो जाते हैं, ये देखिए। अब बनाते हैं करेले का अचार, इसको हटा देते हैं, और ये देखिए एक बड़ा बर्तन लेते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए दो चम्मच सौंफ लेते हैं जो हमने तरतरी करके रखी हुई है, दो चम्मच साबुत धनिया, ये भी हमने तरतरा करके रखा हुआ, दो चम्मच राई, ये देखिए ये भी हमने थोड़ी तरतरी करके रखी है, एक चम्मच साबुत मेथी। मेथी शुगर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब एक चम्मच कलौंजी लेते हैं, साबुत कलौंजी, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, ये देखिए एक चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे नमक, ये देखिए नमक हल्का डालना है, क्योंकि करेले पर हमने पहले से नमक लगा कर रखा था। अब इसके बाद इसको ऐसे, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सरसों का तेल, ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए मसाला ऐसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें करेले डालते हैं, देखिए थोड़े थोड़े करके डालते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए ऐसे अब सारे डाल देते हैं और दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिलाना है जिससे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अब ये देखिए हमारा करेले का अचार बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ये देखिए अलग बर्तन में डालते हैं, आप इसको किसी भी जार में डाल कर रखिए,
यह देखिए शुगर वाले भाई बहनों के लिए करेले का स्वादिष्ट अचार। और आप जब भी खाना खाएं, खाने के साथ एक दो पीस इसका खा सकते हैं, और ये आपका स्वाद भी बढ़ाएगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय माता दी।